बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान पुलिस का फल बेचने का रोचक मामला सामने आया है। आपको भले यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन यह सच है। बेगूसराय के सड़कों पर अचानक उत्पात पुलिस अनानास बेचने फल मंडी पहुंच गई। पहले तो लोगों ने सोचा उत्पात पुलिस अवैध शराब बरामद करने के लिए आई है, लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं है, पुलिस तो अनानास बेचने आई है। पिकअप वैन से अनानास को फल मंडी के पास अनलोड किया गया। वहाँ मौजूद दुकानदारों से कहा गया कि कोई खरीदना चाहे तो खरीद ले। उत्पाद पुलिस के अनुसार हुआ यह कि 2 दिन पहले एक पिकअप वैन में अनानास के नीचे छिपा कर अवैध विदेशी शराब ले जाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इस मामले में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पिकअप वैन सहित अनानास को जब्त किया गया। उत्पाद अधीक्षक अजय शंकर सहाय ने बताया कि अनानास के नीचे छिपा कर अवैध विदेशी शराब ले जाई जा रही थी। इस दौरान पिकअप वैन सहित अनानास को भी जब्त किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि अनानास सड़ जाता, इसीलिए उसे बेचने का निर्णय लिया गया ताकि सरकार का कुछ राजस्व प्राप्त हो जाए। आज मामला है, क्या लोग रोड पर खड़े हैं? रोड पर खड़े हैं, रोड पर तो नहीं खड़े हुए हैं, उतरवाए हैं, हटवा रहे हैं, गति में रखवा रहे हैं। अनानास से शराब को 80 पेटी शराब पकड़ाया था पिकअप में, उसको झांक के इसी से झांके हुए था, उसी को बिक्री कर दे रहे हैं, इसको सरकार के राजस्व में जमा करा दे। तो आज अनानास जो पकड़ा है उसको बेचने के लिए यहाँ लाया गया? रद्दी माल लेवे किया था, लेकिन इसको अब जो है पैसा मिल जाएगा सरकार का, सरकार के जनहित में जमा हो जाएगा।